बरसों बाद अनु अग्रवाल ने खोला जिंदगी का सबसे गहरा राज। अनु को मिला था प्यार में धोखा। बॉयफ्रेंड के धोखे के बाद एक्ट्रेस ने कर ली शादी से भी तौबा। आशिकी फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने अपनी जिंदगी का वो राज खोला है जिससे अभी तक हर कोई अनजान था। पहली बार एक्ट्रेस ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े ऐसे राज खोले हैं जिनसे मिले जख्म आज भी अनु के दिल में ज्यों के त्यों ताजा हैं। इश्क में धोखा खा चुकी है आशिकी एक्ट्रेस। खुद अनु अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़ा ये शॉकिंग राज खोला है जिसमें अनु ने बताया है कि लंबे वक्त तक वो एक शख्स के साथ रिश्ते में थी, शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनका प्यार पर से भी विश्वास उठ गया। अनु के मुताबिक उनका वो रिलेशन काफी टॉक्सिक था जिसके बाद वो किसी भी शख्स को दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकी और ना ही किसी रिलेशनशिप में रही। इसके बाद इंटरव्यू में अनु से ये भी पूछा गया कि पहले ब्रेकअप के बाद क्या उन्हें दोबारा किसी से प्यार नहीं हुआ या फिर कभी उनका शादी करने का मन नहीं किया। अनु ने इस सवाल का भी जवाब दिया। पहले ब्रेकअप के बाद प्यार पर से उठे विश्वास को लेकर अनु ने कहा कि मन हुआ था लेकिन मेरी पहली रिलेशनशिप ने मेरी आंखें खोल दी थी। इसने मुझे सिखाया कि मुझे खुद ही अपने भीतर प्यार की तलाश करनी होगी। मुझे दूसरों से प्यार की उम्मीद करना बंद करना होगा। मैं शादी के लिए हमेशा तैयार थी लेकिन मैं एक सेल्फ डेवलपमेंट ट्रिप पर थी। बता दें कि एक्ट्रेस अनु अग्रवाल लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं। हालांकि वो बीते हफ्ते सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में नजर आई थी। आशिकी स्पेशल इस एपिसोड में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, राहुल रॉय, दीपक तिजोरी और कुमार सानू भी शामिल हुए थे, लेकिन यहां भी एक्ट्रेस शो के मेकर्स की बेरुखी का शिकार हुई थी। इंडियन आइडल का वो एपिसोड देखने के बाद अनु ने इल्जाम लगाया था कि इंडियन आइडल के मेकर्स ने एपिसोड में से उनके सीन्स जानबूझकर काटे थे। इस बारे में बात करते हुए अनु ने कहा था कि मेकर्स ने उनके कई सीन्स काट दिए हैं क्योंकि वो शो में राहुल रॉय और दीपक तिजोरी के पास में ही बैठी थी लेकिन वो शो से ऑलमोस्ट गायब दिखी। इंडियन आइडल के मेकर्स की इस हरकत से अनु अग्रवाल जबरदस्त खफा हो गई थी और अनु अपनी ये नाराजगी जाहिर करने से भी पीछे नहीं हटी थी। बता दें कि अनु अग्रवाल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अनु ने 21 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। डेब्यू फिल्म आशिकी से अनु अग्रवाल रातों रात स्टार बन गई थी लेकिन एक हादसे ने अनु के फिल्मी करियर को बर्बाद कर डाला था। साल 1999 में अनु एक खतरनाक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि अनु इससे मौत के मुंह में जा पहुंची थी। तकरीबन 29 दिन तक अनु मौत से जंग लड़ती रही। इस हादसे की वजह से अनु की याददाश्त भी चली गई थी। बेहद मुश्किल से अनु ने अपनी बिखरी जिंदगी को संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।